आई न्यूज पता चली क्या रतन टाटा सिर के बारे में? राजेश भाई, थैंक यू फॉर द 22 जी पे। भाई जस्ट मुझे पता चली रतन टाटा सर के बारे में। हिज सोल रेस्ट इन पीस, लेजेंड। जिन्होंने इतना रिवॉल्यूशन खड़ा कर दिया इंडिया में, सीन तो है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके गाइस, फाइनली इतने दिन से आप लोग मुझसे पूछ रहे थे अबाउट एचटीआरपी। तो फाइनली हम लोगों ने एचटीआरपी लॉन्च का टीजर डाल दिया है। एवरीथिंग इज न्यू, सब कुछ नया है। नए लोग से लेके, नया स्टाफ से लेके, नए डेवलपर्स से लेके, नई स्क्रिप्ट से लेके, सारी चीजें नई है। एंड आई प्रोमिस इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इस सर्वर को बाकी सर्वर से थोड़ा सा अलग बना दी। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया का सबसे अलग सर्वर है, आई मीन, बट वी आर वर्किंग हार्ड ऑन इट एंड विल मेक श्योर कि जो एक्सपीरियंस होगा लोगों को खेलने के लिए एंड जो क्या कहते हैं यार उसे, कौन सा वर्ड है वो, हाँ जी, जो एक्सपीरियंस होगा बेसिकली। एंड अरे एक और जो वर्ड होता ना गाइस, वो क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं बताइए जरा। हम भी खेल सकते हैं क्या एचटीआरपी? बिल्कुल खेल सकते हो भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं खेल सकते हो। एचटीआरपी का हमेशा से ये मोटिव रहा है कि जिनको नहीं आता है वो सीखने के लिए भी खेल सकते हैं, जिनको बहुत अच्छे से आता है वो दूसरों को सिखाने के लिए सर्वर में खेल सकते हैं, एंड जिनको आता है नहीं आता है बीच में फंसे हुए हैं वो एंजॉय करने के लिए खेल सकते हैं। हमेशा से ये मोटिव रहा है और ये मोटिव हमेशा से आगे भी चलता रहेगा। बिकॉज मैं कोई एकदम, मैं वो नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ को परफेक्ट लेके चलूँ। मैं वो बंदा हूँ कि मैं हर एक चीज़ को एक सेटल वे में लेके चलूँ ताकि लोग मेरे साथ आगे चलते रहे सीख सीख के, है ना। क्योंकि देखो कभी कभी गलती हम भी कर लेते हैं आरपी में, ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम आसमान से टपके हुए बंदे, कभी कभी थोड़ी बहुत गलती हमसे भी हो जाती है। भले ही मैं कितने साल से आरपी खेलता हूँ वो कम बात है कि मैं गलती नहीं करता हूँ, बट कभी कभी हो जाता है। तो हम भी सीखते हैं, तो आप भी सीखो हमारे साथ। और कुछ भड़वे ऐसे जो बहुत गलती करते हैं, और दर्पण क्या हाल है? हाँ बढ़िया है। तो भाइयों थोड़े टाइम में, वैसे कुछ दिनों में थोड़ी थोड़ी अनाउंसमेंट आती रहेगी, अपडेट आती रहेगी कैसे कैसे सर्वर चलने वाला है, और जल्दी इसके फॉर्म्स वगैरह भी निकलेंगे, वेबसाइट वगैरह भी लॉन्च होगी, सब कुछ होगा। तो थोड़े दिनों में आप लोग रेडी हो सकते हो सारे लोग खेलने के लिए, साथ में कॉन्टेंट बनाने के लिए।